उन्नाव में सदर विधानसभा से बसपा के टिकट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे देवेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पक्षपात पूर्ण कार्यवाही की जाए, जिसको लेकर मेरी चुनाव आयोग से अपील है कि वो उन्नाव प्रशासन का स्थानांतरण कर निष्पक्ष चुनाव करवाएं। तो वहीं दूसरी ओर इस प्रेस वार्ता में प्रत्याशी भाई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने से 3 घंटे पहले ही प्रशासन द्वारा जिस तरह से पूर्व नियोजित कार्यक्रम को बलपूर्वक रुकवाया गया, लाठी चार्ज करवाई गई, इससे ये साफ होता है कि प्रशासन दोहरा चरित्र अपना रहा है। उन्नाव से मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट। मुखिया बहन जी मायावती ने प्रत्याशी घोषित किया है। देवेंद्र के प्रत्याशी घोषित होते ही जनपद में राजनीतिक समीकरण ही बदल गए। प्रशासन द्वारा इस तरीके से जबरदस्त हमारे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत 8 तारीख को हमारा एक रोड शो होना था। हमने रोड शो के लिए परमिशन भी मांगी थी, क्योंकि 3:30 बजे चुनाव आयोग की मीटिंग थी, तो हमने 11 बजे से 3 बजे का टाइम रोड शो का रखा था, जिस पर सीओ साहब और क्षेत्राधिकारी दही चौकी इंचार्ज द्वारा ये बताया गया कि परमिशन पहले आप ले लीजिए। मैंने इतना ही उनसे पूछा कि क्या अभी तक जो भी मीटिंग या सभाएं हुई हैं जनपद के आला अधिकारियों द्वारा किसी को परमिशन दी गई है या किसी ने परमिशन ली है? अभी तक कोई भी ना ही अधिसूचना जारी हुई है और ना ही कोई रोक के लिए आदेश पारित हुए। तो इस पर वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने यही कहा कि 3:30 बजे आचार संहिता लग जाएगी। हमने कहा 3:30 बजे लग जाएगी तो हम लोग 3 बजे विड्रा कर लेंगे। उस पर भी वो लोग नहीं माने और पूरे पुलिस प्रशासन के साथ हमारे लोगों पर जबरदस्त तरीके से बल प्रयोग किया, लाठियां चलाई और रोड शो को रोका।